Hello students, welcome back in our YouTube channel. Students, today we discuss the ninth chapter of classic science book, that is living organisms, characteristics and habitats. Students, you may see a lot of things in your surroundings. Things may be living or non-living. Maybe you observe in your surrounding, right? So in this chapter, we are going to discuss about these non-living and living things and of course their characteristics. So first we have two categories of things. First is living and second is non-living. So what are living and non-living? All the living things can breathe, can eat, can grow and can reproduce. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, खा सकती है, सांस ले सकती है, ग्रो कर सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है, राइट? बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट ग्रो एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. ना तो वो खा सकती, ना वो सांस ले सकती, ना ही वो ग्रो कर सकते और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मतलब जिन चीज़ों में जान हो, जो सांस ले सके, जो ग्रो कर सके, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. वाइल जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती, ग्रो नहीं कर सकती, मतलब निर्जीव चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? सो हियर वी हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आते हैं अब हमारे पास आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? दे कैन ग्रो एंड दे हैव सेल विच डिवाइड एंड दे इंक्रीज द हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? फूड एंड न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो चलिए इन सभी करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? तो सबसे पहले आता है हमारे पास लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ग्रो. स्टूडेंट्स, इस करेक्टरिस्टिक्स को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. आई होप यू ऑल ऑब्जर्व योर होम और योर स्कूल बिल्डिंग, राइट? तो आपने अपने घर को या स्कूल बिल्डिंग को, अगर स्कूल बिल्डिंग को या घर की बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया होगा तो यू मे नोटिस दैट योर हाउस और योर स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, राइट? सो दीज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर हाउस, योर स्कूल बिल्डिंग्स. ईटे, ब्रिक्स क्या होती हैं? हमारे घर की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं. मतलब ईटों से हमारा घर तैयार होता है. ईटें क्या है? हमारे घर की नींव है, बेस है, राइट? सो सेम एज क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बॉडी की तरह है, एक बिल्डिंग की तरह है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एन अ बिल्डिंग, उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुए? उनके सेल हुए, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे मिलकर बनी है? मतलब सेल से मिलकर बनी है. सेल्स आर द टिनी यूनिट्स. सेल क्या होते हैं? बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं. जब वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, राइट? सो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारे पास, सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर मल्टीसेलुलर. तो कुछ ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं. तो ये यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है? बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है? ये बात तो हमने जान ली, लेकिन कितने सेल से मिलकर बनते हैं ये भी तो जानेंगे ना हम, ये भी तो ज़रूरी है. सो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इसी के ऊपर बेस्ड है कि सेल नंबर कितना है. सो यूनिसेलुलर का मतलब हुआ जब ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन और सिंगल सेल, राइट, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. और
जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है, मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल क्या हुई हमारे पास, अमीबा, पैरामीशियम। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स क्या हुई बच्चों, हम यानी कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर। ओके, थर्ड है हमारे पास व्हेन सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड, सेल नंबर इंक्रीजेस एंड द साइज ऑफ बॉडी आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इज नोन एज बॉडी ग्रोथ। इसमें क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनती है, ठीक है? अब सेल क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिवाइड होना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से 16, 16 से आगे ऐसे ऐसे इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं, ठीक है? डिवाइड होना शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी का साइज भी इंक्रीज होना शुरू कर देगा और जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ होना शुरू कर देगी। आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या, ये छोटा सा सीड है, ठीक है? ये क्या किया, धीरे 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 प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया बाय द इंक्रीज ऑफ साइज। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर गए क्योंकि जो सेल है वो डिवाइड होना शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ सेल है वो भी इंक्रीज कर गए और जो बॉडी का साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और जिसको हम बोलते हैं बॉडी ग्रोथ। तो सेम एज प्लांट के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है एंड हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस स्टॉप ग्रोइंग एट अ एज बट प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। अब क्या आता है हमारे पास, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स दे स्टॉप देयर ग्रोथ, वो एक पॉइंट पे आके, एक एज पे आके उनकी ग्रोथ स्टॉप करती है ना? अब लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ, हमारा बॉडी साइज इंक्रीज होना एक एज के बाद स्टॉप कर देता है, ठीक है? लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर क्या होता है, उनके जो प्लांट की ट्री की ग्रोथ है वो बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक वो डेड, मरना शुरू नहीं करते, तब तक प्लांट ग्रो करना रुकते नहीं है, दे कीप ऑन ग्रोइंग, वो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा सेल, ये था हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और सेल के बारे में और वो कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आता है मूवमेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं ना बच्चों? सो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मूवमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं ना, तो चलिए देखते हैं। मूवमेंट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि बाहरी मूवमेंट, लाइक वी मूव अवर लेग्स, वी मूव अवर आर्म्स, वी मूव अवर हेड, दीज ऑल आर द एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से दिखाई देती हैं मूवमेंट्स, उनका हम बोलते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट्स, राइट? और इंटरनल मूवमेंट्स क्या होती हैं, इनसाइड द बॉडी, जो मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें हम इंटरनल मूवमेंट बोलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हुई, द पम्पिंग ऑफ हर्ट, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट? और क्या हो सकती है, लंग्स, लंग्स भी तो मूव करते हैं, लंग्स भी तो पंप करते हैं, राइट? वो भी तो सांस लेते हैं, हम ऊपर नीचे होते हैं ना, दीज ऑल आर द इंटरनल मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी, ये सब हमारी बॉडी की इंटरनल मूवमेंट्स हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मूवमेंट होती हैं, ठीक है बच्चों? मूवमेंट में और मे नॉट बी इन्वॉल्व अ चेंज इन अ पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पिछले चैप्टर में किया था मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बीच का डिफरेंस किया था ना, तो ये सेम वही पॉइंट है। इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो मूवमेंट होती है उसके अंदर मे बी सिर्फ बॉडी पार्ट मूव करे, पोजीशन ना चेंज करे,
या तो फिर पोजीशन भी चेंज हो और बॉडी पार्ट भी चेंज करे, तो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है। इट मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन, राइट। थर्ड क्या है हमारे पास, प्लांट शो सम काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट्स। अब प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स दीज दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम सोचे मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से, तो प्लांट कैन नॉट मूव। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, है ना, वो तो एक जगह पे फिक्स होते हैं, है ना, तो वो तो मूव नहीं कर सकते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। एक्चुअली दे शो इंटरनल मूवमेंट। वो इंटरनल मूवमेंट तो शो करते हैं, जैसे हमारे अंदर जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है ऊपर से लेके नीचे तक हर बॉडी पार्ट में मूव करता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है उसके खाने के बनाने से लेके हर बॉडी पार्ट तक पहुंचने तक, इंटरनल मूवमेंट्स तो होती हैं, राइट। और साथ में क्या होते हैं, प्लांट्स एक्सटर्नल मूवमेंट्स भी शो करते हैं कुछ तरह की। तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स क्या हुई, तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लूंगी टच मी नॉट प्लांट का। मे बी आप कुछ बच्चों ने आप में से टच मी नॉट प्लांट देखा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, व्हेन वी टच दिस प्लांट, अगर हम उस प्लांट को टच करेंगे तो क्या होता है, उसकी जो लीव है वो ड्रूप होना शुरू कर जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, वो मूवमेंट शो करती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या होगी, एक्सटर्नल मूवमेंट होगी। जब हमने उसको छुआ, छूने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो एकदम से सिकुड़ गई, तो उसने क्या की, मूवमेंट की अपने लीव्स की, तो वो क्या हुई, एक्सटर्नल मूवमेंट हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लांट्स परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट्स एज वेल एज इंटरनल मूवमेंट्स, राइट। थर्ड है हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव। खाना तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, बिना खाने के वो सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। फूड गिव एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फॉर डूइंग वर्क्स। खाना क्या देता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है ताकि वो इस अच्छे से ग्रो कर सके और अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डेली एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड नोन एज ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो कुछ प्लांट एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या तो फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक अस ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स, हम भी हेटरोट्रॉप्स हैं, बिकॉज हम या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो इसी तरह से क्या हुआ, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द हेटरोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड अकॉर्डिंग टू द फूड। ये थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेते समय वी ऑल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। तो सेम एज जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। तो वो कैसे होती है, चलो देखते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी वेन फूड रिएक्ट विद इनहेल्ड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ, ब्रीथिंग के टाइम पे जो ऑक्सीजन हमने ली, ठीक है, और जो खाना हमने खाया, फूड लिया हमने, जो वो खाना जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से हम हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे और बाकी एक्टिविटीज करेंगे, और साथ ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा, जो ब्रीथिंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हुआ बच्चों, जो खाना खाया हमने वो,
और जो हमने ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल की वो खाना, और जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है जो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो ब्रीथिंग की प्रोसेस से एक्सहेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जो एनर्जी होगी वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेगी एक्टिविटीज करने के लिए, फॉर अवर ग्रोथ, फॉर अवर डिवेलपमेंट, फॉर अवर डेली रूटीन एक्टिविटीज। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। एनर्जी इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, राइट? मैंने आपको बताया ना, जो एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, हम उसको यूज कर लेंगे हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट दिस प्रोसेस इज स्लो एट द डे टाइम। लेकिन ये प्रोसेस डे टाइम के अंदर स्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक हमने पिछले चैप्टर में किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चों? प्लांट्स के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाला था और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था, ठीक है। तो ये तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से उल्टा हो गया। हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, राइट? लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है और ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, लेकिन ये किस में होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, मतलब डे टाइम के अंदर। तो क्या करते हैं प्लांट्स, डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो रेस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा स्लो रेट पे करते हैं, बहुत ज्यादा कम करते हैं। लेकिन एट नाइट टाइम, रात के टाइम पे जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उस टाइम क्या करते हैं प्लांट्स, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जस्ट लाइक अस। तो रात के टाइम पे क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मे बी आप लोगों ने सुना होगा कि रात के टाइम पे ट्रीज के पास सोना हार्मफुल होता है। तो ये क्यों होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर अवर बॉडी। इसलिए हम कहते हैं कि रात के टाइम पे ट्रीज के पास और प्लांट्स के पास हमें नहीं सोना चाहिए। सो बच्चों, ये था रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर हम नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ही जैसे कुछ नए ऑर्गेनिजम्स को हम जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, राइट? सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज एंड सम ले एग्स। कुछ एनिमल क्या करते हैं, बर्थ देते हैं बेबीज को। जैसे हम लोग हैं, हमें हमारी मम्मा ने बोर्न किया, हमें बर्थ दिया, ठीक है। हम क्या थे, बेबीज थे, हम हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, तो हम क्या है, उनके जैसे हैं, और एक नए ऑर्गेनिज्म हैं, नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और ऐसे क्या हुआ, हमारे भी आगे बच्चे हुए, वो क्या हुए, न्यू ऑर्गेनिजम्स हुए हमारे जैसे, तो वो क्या हुई, रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स देते हैं बेबीज को बर्थ करते हैं, राइट। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो एग्स को ले करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि आप हेन के केस में देख सकते हो, देखा ना आपने, ये अंडा आया, इसने क्या किया, अंडे को दिया, और अंडे में से क्या हुआ, जो छोटे छोटे चिकन्स है वो क्या हुए, हैच्ड हुए। आफ्टर एग हैचिंग तो ये क्या हुए, चिकन्स बाहर आए और फिर ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गए, ठीक है बच्चों। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड देयर फ्रूट्स। प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है। कैसे, प्लांट्स अपने फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके बीच में जो सीड्स होता है वो एक रिप्रोडक्शन होता है, वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है।
प्लांट्स क्या करते हैं, आप फ्रूट्स के अंदर सीड्स छोड़ जाते हैं, ठीक है, एंड दी सीड्स व्हेन सोन इन सॉइल प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो क्या करते हैं, अगर हम उन सीड्स को जमीन के मिट्टी के अंदर उगाना शुरू कर देते हैं, उन्हें उगा लेते हैं, तो क्या होता है, सेम उसी तरह के प्लांट्स और उगना नए प्लांट्स उगना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, सेम न्यू प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, एक प्लांट से एक सीड बना और एक सीड से एक न्यू प्लांट बना। तो ये भी क्या हुई, एक रिप्रोडक्शन हुई प्लांट्स की। सो ये था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है, बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना। ड्यूरिंग इनसाइड एक्टिविटीज, इनसाइड एक्टिविटीज के टाइम पे, जैसे कि ब्रीथिंग के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे और ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे, इन कुछ एक्टिविटीज के टाइम पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, राइट, और उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और इम्प्योर एयर। तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, या तो फिर इम्प्योर एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से, राइट। प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर वेपर्स एंड इम्प्योर एयर फ्रॉम स्टोमेटा। प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, कैसे, दे एक्सक्रीट वाटर वेपर्स, वो क्या निकालते हैं बाहर, वाटर वेपर्स निकालते हैं और साथ में इम्प्योर एयर निकालते हैं। मैंने बताया भी आपको ना, रेस्पिरेशन के टाइम पे भी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर, है ना, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। सो ये क्या हुआ, प्लांट्स ने एक्सक्रीशन की और कहाँ से की, स्टोमेटा से। जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं उसमें से क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, वाटर निकलता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो उससे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं बाहर वेस्ट को, राइट। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन प्रोसेस शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना। सो ये समझने से पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन क्या है, जैसे कि व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट और अ हॉट यूटेंसिल, जब हम किसी गर्म चीज़ को, कोई भी गर्म बर्तन, कोई गर्म प्लेट, उसको टच कर लें, तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ वी बैक आउट अवर हैंड, हम अपने साथ ही साथ हम अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो वो हमने क्यों किया, ये था हमारा रिस्पॉन्स, ये हमने इसलिए किया बिकॉज हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाई क्या थी, उसके अंदर वो हॉट प्लेट थी, वो टच था हमारा जो हमने हॉट प्लेट को किया, और रिस्पॉन्स क्या था हमारा, वो पीछे की तरफ हाथ करना। तो ये था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग दैट ट्रिगर्स अ रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलाई। कोई भी चीज जो क्या करती है, रिएक्शन को ट्रिगर करती है, इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है एक रिएक्शन को ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे क्या किया हमने, जब गरम प्लेट को टच किया, ये देखिए स्टिमुलाई किया ना हमने, गरम प्लेट को टच किया, तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, और जो ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन था वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो रिस्पॉन्स क्या था हमारा, ये हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना, ये हमारा रिस्पॉन्स था। वी परसीव सच अ चेंजेस इन द स्टिमुलाई विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये क्या कहते हैं, जो ये स्टिमुलाई होते हैं, इन रिएक्शंस जो ये रिएक्शन ट्रिगर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हम किससे समझते हैं, किससे हमें फील होते हैं, ये हमारी सेंस ऑर्गन से फील होते हैं हमें, लाइक आवर टच, आवर स्मेल, आवर आइज, दीज सेंस ऑर्गन्स आर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस स्टिमुलाई। ये सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं स्टिमुलाई को समझने के लिए, राइट। प्लांट स्टेम ग्रो टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टच मी नॉट प्लांट का,
कि जब हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीफ ड्रूप करना शुरू कर देती है, सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो वो क्या था, हमने टच किया प्लांट को, वो क्या था, स्टिमुलाई था, ठीक है। और लीव्स का सिकुड़ना क्या था, उनका रिस्पॉन्स था। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट की रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए। और इसकी एक एग्जाम्पल क्या है, जो प्लांट्स की स्टेम होती है वो क्या करती है, लाइट की तरफ ग्रो करना शुरू करती है। मे बी ऑब्जर्व दैट जो प्लांट की स्टेम होती है वो किस तरफ ग्रो करती है, लाइट की तरफ ग्रो करती है। जब जिस साइड लाइट हो प्लांट की स्टेम उसी तरफ ग्रो करना शुरू करती है। और इसी फिनोमिने को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ। लाइट की तरफ ग्रो करना मतलब जो प्लांट की स्टेम है वो लाइट की तरफ ग्रो करेगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो लाइट थी वो एज अ स्टिमुलाई एक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, रिएक्शन को ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। और जो स्टेम की ग्रोथ थी वो क्या था, रिस्पॉन्स था प्लांट का स्टिमुलाई की तरफ। तो ये था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द प्लांट्स, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को, राइट। लास्ट है हमारे पास लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है हमारे पास, इट इज़ अ पीरियड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन बोलते हैं, राइट। ऑल द ऑर्गेनिजम्स टेक बर्थ, ग्रो एंड डाई। सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, दे लीव देयर लाइफ और एंड में मर जाते हैं डेड, राइट। तो ये तो क्या है, लिविंग लाइफ का एक सर्कल है जिसको हर ऑर्गेनिज्म पूरा करता है, कंप्लीट करता है। बर्थ, ग्रो एंड डेड, दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ, राइट। इट इज द नेचुरल प्रोसेस एंड यूनिक टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बर्थ, ग्रो एंड डेथ, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस और सबसे यूनिक भी है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। सभी ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स का सेम लाइफ स्पैन नहीं होता। लाइक एनिमल्स का अलग होता है, इंसेक्ट्स का अलग, प्लांट्स का अलग एंड ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट। तो ये हमारे पास चार्ट है जिसके अंदर दिखाया हुआ है सभी का लाइफ साइकिल। तो इसमें बताया हुआ है मे फ्लाई का वन डे, जो मे फ्लाई है वो सिर्फ एक दिन के लिए सर्वाइव करती है। जो बटरफ्लाई है एक से लेके 2 वीक्स तक सर्वाइव करती है, राइट। जो वीट प्लांट होते हैं वो 6 मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो क्रो होता है वो 15 ईयर्स तक सिर्फ सर्वाइव कर सकता है। और जो डॉग होते हैं दे कैन सर्वाइव 25 ईयर्स, वो 25 साल तक जी सकते हैं। जो बनाना ट्रीज होते हैं दे ऑल्सो सर्वाइव फ्रॉम 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमन होते हैं वो 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना होता है, 100 ईयर्स हो सकता है। पैरेट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स एंड बनियन ट्री का लाइफ स्पैन कितना है, 200 ईयर्स। बनियन ट्री 200 ईयर्स तक जी सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो ये था लाइफ स्पैन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और हमने देखा कि लिविंग डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन के साथ सर्वाइव करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।